चिंतन को कुछ ऐसा प्रभाव होता है कि हम जैसा चिंतन करते हैं वैसे ही हमें सृष्टि भासने लगती है। ये एक जादू है, एक माया का ऐसा आकर्षण है। जैसा हम चिंतन करते हैं वैसे ही हमारी सामने दृष्टि बदल जाती है। तो जहां हमारा चिंतन हुआ कि शरीर में सुख है, पदार्थ में सुख है, पद में सुख है, धन में सुख है, यही सब सांसारिक सुख हैं। अगर चिंतन ना हो और फिर आप किसी सुख को भोग करके उसका सुख का अनुभव करके बताओ तो हमें डायरी पास रखो और आपका हम चिंतन खींच ले, भय द्वारा या प्रियता द्वारा, तो आपको कहीं सुख नहीं मिलेगा। क्यों नहीं हुआ? क्रिया तो वो कर रहा है क्योंकि उसका चिंतन आपने खींच लिया। ऐसे ब्रह्म ऋषियों ने, महात्माओं ने अपने चित्त को प्रेम के द्वारा भगवान में अर्पित कर दिया। उन ऋषियों ने अनुभव किया कि चिंतन के कारण ही विषयों में सुख है।